हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बींग हिंदुस्तानी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो थोड़ी अलग है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। जो भी बिगनर्स हैं या जिनकी जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, उनके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। कैप्शन और थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। फिर भी बता दूँ कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि मोनेटाइजेशन। गाइज, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी मोनेटाइजेशन जो है कैंसिल हो चुकी है। और मोनेटाइजेशन कैंसिल होने का क्या कारण है, ये मैं आपके साथ जरूर शेयर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना, ताकि मेरी गलती जो जो गलती मैंने की है वो कोई और। मेरे चैनल पे तकरीबन 14K सब्सक्राइबर्स हैं और मेरा वॉच टाइम 4000 से ऊपर था, मतलब आई थिंक 50,000 वगैरह कुछ हो चुका था। तो मैं मोनेटाइजेशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने भरा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद तकरीबन 2 महीने के बाद मेरे को एक ईमेल आया कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं हुआ। दोस्तों, चैनल मोनेटाइज नहीं होने का एक ही कारण है, वो कि मेरा जो कॉन्टेंट था रीयूज था। मेरी एक वीडियो थी जो मैंने अभी डिलीट कर दी है, वीडियो में तकरीबन 4 मिलियन व्यूज थे, और उसी टाइप की 3-4 वीडियो मेरी और थी जिनमें 50K, 25K, 60K व्यूज थे। लेकिन दोस्तों, मैं क्या करता था कि मैं इंस्टाग्राम या कहीं और से, या पहले टिकटॉक हुआ करता था, उससे वीडियोस, फनी वीडियोस ला के कंपाइल करके एक वीडियो बना के यूट्यूब पे चढ़ाता था। तो YouTube पे अपलोड करने के बाद क्या होता था कि मेरी वीडियो तो चलने लगी, लेकिन मेरा जो चैनल था वो मोनेटाइज नहीं हुआ। चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं आया? कि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, उन्होंने मुझे ईमेल में बताया कि आपका जो कंटेंट है वो रीयूज है। रीयूज इन द सेंस कि जो पहले कंटेंट यूज हो चुका है उसमें मेरा ओरिजिनल कंटेंट कुछ नहीं होता था। अब मैंने वो वीडियोज डिलीट कर दिए हैं। आप वीडियोज वो देखोगे वो आपको नहीं मिलेंगी। अब वीडियोज में अलग तरह से बनाने लगा हूँ। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुआ गाइज, अब मुझे 4000 वॉच टाइम करना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो कंटेंट मैं बनाता था वो अब मैं बनाना बंद कर चुका हूँ। आप भी ये गलती अगर करेंगे तो गाइज आपका वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा। वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, वो मेरे 14 के हैं। 4000 यानी कि 4000 वॉच टाइम, 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए, वो भी है, लेकिन 2-स्टेप वेरिफिकेशन भी है, लेकिन जो मेरा कंटेंट है उसको यूट्यूब वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे बहुत मुश्किल है मोनेटाइजेशन करवाना, और अगर एक बार मोनेटाइजेशन हो जाती है तो 6 महीने में आपको 6 महीने में कोई ना कोई वीडियो चढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो मोनेटाइजेशन नहीं होती है। ये देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे 14K सब्सक्राइबर्स हैं। 4000 रिक्वायर्ड वॉच टाइम चाहिए, लेकिन जो वॉच टाइम मेरा कम है, वॉच टाइम अभी मेरा टोटल 118 घंटे है, क्योंकि मैंने वीडियोस बनाना थोड़ा वो जो पुरानी, क्योंकि जो मेरी पुरानी वीडियोस थी वो मैंने डिलीट कर दी, वॉच टाइम मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है। अब नए सिरे से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो अभी इतनी चल नहीं रही, 2-3 वीडियोस बनाई है मैंने। मेरी 2-स्टेप वेरिफिकेशन भी कम्प्लीट है। अब ये देख सकते हैं, ये इन्होंने लिखा कि रीयूज कॉन्टेंट है, और ये बताया है कि क्या चीज़ें करनी। तो गाइज, यहाँ पे कुछ डू एंड डोंट हैं जो हमने करने हैं और जो हमें नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बताया है कि हम किसी की कोई फनी वीडियोस ले सकते हैं, लेकिन उनको रिक्रिएट करना पड़ेगा, वो मोनेटाइज हो जाएगी। दूसरे नंबर उन्होंने बताया कि कोई ऐसी क्लिप्स हम ले सकते हैं जो किसी का क्रिटिकल रिव्यू देने के लिए, वो भी उस टाइप की वीडियोज भी हमारी जो है मोनेटाइज हो सकती है। एक मूवी का कोई सीन जिसको हम रीराइट करके डायलॉग या अपनी तरफ से डायलॉग या वॉइस ओवर दे के उसको बोलेंगे, उसको अपलोड करेंगे, तो वो भी मोनेटाइज हो जाएगी। उसके बाद बताया कि जो स्पोर्ट्स, जैसे क्रिकेट का कोई बीच में से क्लिप उठा दी और उसमें हमने बताया कि ये इस बॉल पे ऐसे आउट हुआ था, ऐसे हुआ था या ऐसे गोल हुआ था, तो उस या ये मैच ऐसे जीता या ये मैच ऐसे हारा, तो कमेंट्री अपनी देनी पड़ेगी उसमें, तो वैसी वीडियो भी हमारी जो है मोनेटाइज हो सकती है।
अच्छा, रिएक्शंस वीडियोस जो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है रिएक्शन वीडियोस होते हैं, मिलियन से व्यू होते हैं, रिएक्शन वीडियोस भी मोनेटाइज हो सकती हैं। कंटेंट क्रिएटर की एक फुटेज ले ली और उसको हमने एडिट किया, बीच में कुछ अपनी वीडियोस डाली और कुछ हमने कमेंट्री या स्टोरी लाइन चेंज करके डाली, तो वो भी हमारे मोनेटाइज हो सकती है। अब जो चीजें हमने नहीं करनी है, जैसे कि मैंने गलती की थी, आपको भी ये गलती नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि शॉर्ट वीडियोस जो हम कंपाइल करके दूसरे सोशल मीडिया वेबसाइट से अपलोड करते थे, जैसे कि मैं करता था, मैं क्या करता था कि टिकटॉक से वीडियो उठाए, उनको कंपाइल करा और उनको अपलोड कर दिया, और वीडियो चलती थी। और तब मुझे इतना नॉलेज नहीं होता था कि मोनेटाइजेशन के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद किसी भी आर्टिस्ट के सॉन्ग्स, चाहे आपका परमिशन वर्बली हो, लेकिन अगर आप सॉन्ग्स या म्यूजिक लगाओगे तो वो आपका मोनेटाइजेशन नहीं होगा। और क्लिप्स, जैसे कि हम द कपिल शर्मा शो हो गया या इंडियन आइडल हो गया या कोई रियलिटी शो आता, उसमें से हम क्लिप्स लेंगे और वो अपलोड करेंगे, तो वो भी हमारे मोनेटाइज नहीं होती। और ऐसा कंटेंट जो बहुत बार अपलोड हो चुका है और उसको हम फिर से अपलोड करेंगे, तो वो वैसा कंटेंट जो है वो मोनेटाइज नहीं हो। ऐसा कंटेंट जो हम प्रमोशन के लिए बनाएंगे, किसी किसी चैनल या किसी बंदे के प्रमोशन के लिए या किसी एड के लिए कोई कंटेंट बनाएंगे, तो वो भी हमारा प्रमोशन के लिए नहीं चलेगा। ऐसा कंटेंट जो किसी चैनल की प्रमोशन के लिए बनाएंगे या किसी इंडिविजुअल के प्रमोशन के लिए बनाएंगे या कोई एड के लिए बनाएंगे, वो वैसा कंटेंट भी मोनेटाइज। ये वीडियो बनाने का खास मकसद यही है कि आप लोग भी ऐसी गलती ना करें।